चैत्र नवरात्र का मेला मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शक्तिपीठ मैहर में व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। मैहर स्टेशन पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए इस बार रेलवे ने भी नया प्रयोग शुरू किया है। इस बार नवरात्रि मेले में मैहर स्टेशन आ रहे जनरल यात्रियों को काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि टिकट की व्यवस्था काउंटर लगाकर और बूथ लगाकर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मोबाइल टिकट की व्यवस्था में सबसे खास बात यह है कि जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखेगी वहीं पर रेलवे स्टाफ छोटे से डिजिटल उपकरण के साथ टिकट उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, प्रिंट निकाल कर टिकट उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रयोग पहली बार शुरू होने जा रहा है। बताया गया है कि जबलपुर डिवीजन में मैहर स्टेशन पर नवरात्रि मेले के दौरान कम से कम समय में सहजता से टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। स्टेशन में 2 मोबाइल टिकट बूथ बनाए जाएंगे तो वहीं नई ATVM मशीन भी संचालित की जाएगी। बता दें कि मैहर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा पिछले साल से खत्म थी। मैहर मेले के दौरान 2 नई ATVM मशीनें मंगाई गई हैं जिसमें 24 घंटे जनरल टिकट की व्यवस्था रहेगी।